नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन फसल में लगने वाले पीला मोज़ेक वायरस रोग का कारण, लक्षण और उसके रोकथाम के लिए क्या उपाय योजना करना चाहिए, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका अपने किसान समाधान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सोयाबीन खरीफ की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। भारत में होने वाली फसलों की खेती में सोयाबीन का नाम काफी ऊपर आता है, जिसे गोल्डन बीन्स भी कहा जाता है। सोयाबीन फसल भारत में लगभग 20% तेल की पूर्ति करती है। किसान भाई खरीफ समर सीजन में सोयाबीन की खेती करते हैं, ये काफी लाभदायक फसल है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की व रेतीली भूमि को छोड़कर सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है। इसकी खेती में एक आम समस्या हर किसान के सामने खड़ी होती है, ये समस्या है सोयाबीन की फसल में लगने वाले पीले मोज़ेक वायरस रोग की। किसान भाइयों, अक्सर सोयाबीन की फसल को पीला मोज़ेक रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। तो आइए आपको सोयाबीन की फसल में लगने वाले मुख्य रोग पीला मोज़ेक वायरस रोग की कुछ अहम जानकारी मैं देता हूं। किसान भाइयों, पीला मोज़ेक रोग एक वायरस जनित रोग है जो मुख्यतः सफेद मक्खी मतलब व्हाइट फ्लाई के चपेट में आने से लगता है। दरअसल ये मक्खी पौधे के तने पर अंडे देती है, इस कारण तने में एक इल्ली उत्पन्न होती है, वह तने के अंदर के जाइलेम को नष्ट कर देती है। इससे पौधा पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे सोयाबीन की पौधों का विकास रुक जाता है। साथ ही सफेद मक्खी सोयाबीन की कोमल पत्तों में से रस चूसने का भी काम करती है। किसान भाइयों, ये रोग शुरुआत में कुछ ही पौधों पर दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लेता है। जब सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस रोग लगता है, तब कुछ पौधों में चितकबरे गहरे हरे पीले धब्बे दिखाई देते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन के फसल के पूरे पौधे ऊपर से बिल्कुल पीले हो जाते हैं और फिर पूरे खेत में फैल जाते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे सोयाबीन की फसल में येलो वेन मोज़ेक वायरस सारे खेत में फैल जाता है तो 90% तक हमारा लॉस आने की संभावना होती है, क्योंकि येलो वेन मोज़ेक वायरस हमारे पौधों पे रहते हुए सोयाबीन के पौधे अन्न तैयार नहीं कर सकते। सारे सोयाबीन के पौधे सिकुड़ भी जाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं, खुरदरी हो जाती है। किसान भाइयों, पीला मोज़ेक रोग हमारी खेत में आने ही नहीं देना है, इसलिए किसान भाई खेत में जगह जगह पर पीला चिपचिपा ट्रैप लगा सकते हैं। 18 से 20 प्रति एकड़ संख्या इसकी आप लगा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम किसान भाई को करना है, वो है संक्रमित पौधों को उखाड़कर दूर गड्ढा खोदकर दबा दें या जला दें। इसके साथ ही किसान भाई को कीटनाशकों का छिड़काव सोयाबीन फसल पर करना है। किसान भाइयों, शुरुआत में हमें 10,000 ppm वाला ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम आर्क मतलब नीम ऑयल का स्प्रे करना है, 1 से 2 मिली प्रति लीटर पानी में लेकर। हर 15 दिन के अंतराल से ये स्प्रे आप अपने फसल पर कर सकते हैं। इसके साथ ही सुपर कॉन्फिडोर आप 1 मिली प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं, या नीम ऑयल 1 मिली प्लस कॉन्फिडोर 1 मिली प्रति लीटर पानी में लेकर स्प्रे कर सकते हैं। थायोमिथोक्साम 25% WG, ये टेक्निकल कंटेंट वाला सिंजेंटा कंपनी का एक्ट्रा, ये कीटनाशक भी 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, 4 नंबर कीटनाशक हम देखने वाले हैं, वो है फ्लोनिकैमिड 50% WG, ये टेक्निकल कंटेंट वाला UPL कंपनी का उलाला, ये कीटनाशक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप 5 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप के साथ कर सकते हैं, 1 ग्राम का 3 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसान भाइयों, इस कीटनाशक के साथ आप एनपीके वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स 19-19-19, 12-61-0, 11-36-24 या 052-34 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ 22-3 या M45। इनमें से एक फंगीसाइड इसमें मिलाकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा सोयाबीन की नई विकसित किस्मों की बुआई आप कर सकते हैं, MSES 1407, JS 2029, JS 2034, JS 2069, JS 9560। किसान भाइयों, ये सारी उपाय योजना हमें करनी होगी, तभी सोयाबीन में लगने वाले पीला मोजैक वायरस रोग हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। किसान भाइयों, ये वीडियो आपका कीमती समय निकालकर पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।